प्रिय आई एस पी सी एस मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूं सिविल सर्विसेज के किसी भी सिलेबस के विषय को कई चरणों में पढ़ा जाता है जैसे आपने देखा कि इंटेग्रिटी इन सिविल सर्विसेज, जीएस फोर्थ पेपर का टॉपिक है इंटेग्रिटी इन सिविल सर्विसेज सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा पहली बात तो यह है कि सत्यनिष्ठा का अर्थ समझना है जो टॉपिक दिया हो जीएस फोर्थ पेपर में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जीएस थर्ड में भी बहुत से टॉपिक हैं सेकेंड और फर्स्ट में उतने जटिल टॉपिक नहीं है ऑप्शनल में तो बहुत ही जटिल है तो पहले टॉपिक का जो हैडिंग है जो सिलेबस में दिया हुआ है एक लाइन दी हुई है सिलेबस में तो उस पंक्ति का सबसे पहले नोट्स बनाते समय सबसे ऊपर वो पंक्ति लिखी जाए लाइन लिखी जाए इंटेग्रिटी इन सिविल सर्विसेस सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा अब जो कई चरण हैं इस टॉपिक को पढ़ने के उनमें पहला चरण है कि जो आपने हेडिंग डाला है उस हेडिंग का मीनिंग लिखिए कई स्रोत से लिखिए गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो बहुत सारे पेजेस खोलते हैं पहला पेज खोल के देखिए इसका क्या मीनिंग है फिर दूसरा खोल के देखिए क्या मीनिंग है तीसरा खोल के देखिए टॉपिक का जो हैडिंग है कम से कम दो पेज रजिस्टर के तीस लाइनें जिसमें आती हैं एक दो तीन चार ऐसे तीस लाइनें होती हैं तो ये पचास से साठ लाइन के अंतर्गत टॉपिक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए जिन टॉपिक्स का मीनिंग जटिल है उनकी बात कर रहा हूं अब मान लो इंडियन जोग्राफी लिखा है तो उसका मीनिंग तो क्लियर ही है <coughs> तो जिन टॉपिक्स के मीनिंग क्लियर नहीं है आपको प्रोबिटी का मतलब नहीं मालूम है आपको वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज नहीं पता कि कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं तो उनके मीनिंग को क्लियर करने के लिए दो पेज कम से कम पचास से साठ पंक्तियां एक पंक्ति में ग्यारह बारह शब्द आते हैं तो एक हजार शब्दों तक लगभग जो है मीनिंग क्लियर करना चाहिए इसके बाद अगला चरण है उस टॉपिक का विस्तार से अध्ययन और फिर तीसरा चरण है डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में या सिविल सर्वेंट की लाइफ में जैसा टॉपिक हो अगर जी एस वन का टॉपिक है तो सामाजिक जीवन में धर्म है तो सामाजिक जीवन में धर्म का उपयोग सामाजिक जीवन में धर्म की रेलेवेंस उपादेयता और अगर ये फोर्थ पेपर का टॉपिक है तो एक सिविल सर्वेंट के जीवन में प्रोबिटी इंटेग्रिटी <coughs> वैल्यूज कहाँ होती हैं ये लिखना है फिर अगला चरण होता है केस स्टडी लिखना कि सिविल सेवा में वे नौ, नौबतें कब आती हैं वे मौके कब आते हैं जब इंटेग्रिटी प्रोबिटी या वैल्यूज से वास्ता पड़ता है फिर तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए जैसे फर्स्ट पेपर हो तो धर्म और संप्रदाय की तुलना समाज में धर्म की उपयोगिता और धार्मिक जीवन की अधार्मिक जीवन से तुलना सत्यनिष्ठा और सत्याचरण यानी प्रोबिटी की तुलना तुलनात्मक अध्ययन बेटा इतने विस्तार से अध्ययन करना पड़ता है जब आप इतने विस्तार से अध्ययन करते हैं तब ही सफल होते हैं ये तरीके कौन बताएगा कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कब पढ़ना है किस प्रकार से पढ़ना है ये विस्तार से चर्चा कौन करेगा ये वो एक नंबर से फेल टीचर आपको नहीं समझा पाएंगे जो एक नंबर से ही फेल अपने को कहते हैं होते तो पता नहीं 400-300 नंबरों से फेल हैं अगर वास्तव में वो फेल हैं तो कहो एग्जाम ही ना दिया हो या ये बातें आपको वो हंस हंस के पढ़ाने वाले छः सात हजार का बैच लॉन्च करने वाले जोकर की तरह पढ़ाने वाले कपिल शर्मा बन जाने वाले अध्यापक नहीं पढ़ा पाएंगे इसके लिए आपको मेरी शरण में आना ही पड़ेगा और फ्री चैनल पर वो कंटेंट नहीं मिलेगा जो पेड चैनल पर पे मिलता है जो पेड क्लास में मिलता है तो इन्वेस्टमेंट सोचिए पेड क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है थैंक यू